रिलायंस जियो ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया 750 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया। जियो के 750 रुपये वाले प्लान की खास बात यह है कि ये पूरे 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम क्षेत्र में जियो की प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल ने भी चुपके से अपनी साइट पर 90 दिन वाले रिचार्ज प्लान को लाइव कर दिया है। इस प्लान को एयरटेल की साइट पर स्पॉट किया गया है। तो आइए जानते हैं एयरटेल के इस 90 दिन वाले प्लान के बारे में सब कुछ। एयरटेल द्वारा पेश किए गए रिचार्ज प्लान की कीमत 779 रुपये है। प्लान में 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ ही कॉलिंग, डेटा और SMS के अलावा कई एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। एयरटेल के 779 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 90 दिनों की वैलिडिटी के अलावा डेली 1.5 GB डेटा की पेशकश की जा रही है। वहीं इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS का लाभ भी ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में आपको एडिशनल बेनिफिट में फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल इसी महीने अपनी 5G सर्विसेज को शुरू करने वाली है। कंपनी एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ मिलकर अपने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में लगी हुई है। वहीं एयरटेल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्ठल ने वादा किया है कि मार्च 2024 तक देश के सभी कस्बों और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर कर लिया जाएगा। विट्ठल ने कहा कि हम अगस्त से 5G लॉन्च करने का इरादा रखते हैं और बहुत जल्द पूरे भारत में इसे रोल आउट करना चाहते हैं। मार्च 2024 तक हमें विश्वास है कि हम 5G के साथ हर शहर और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होंगे। यानी कि भारतीय एयरटेल इसी महीने अगस्त में अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाली है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।